सर आखिरी के कुछ 14-15 दिन बाकी हमारी एग्जाम में। अब आपको करना क्या है ना, एक बात कान खोल के सुन लो, जितना आपका हो रखा है ना उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू जो आपका नहीं हो रखा। ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ कवर करने के चक्कर में आपने जो कर रखा है ना उस पर से आप अपना होल्ड खो बैठो। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो सर सुन लो मेरी कहानी। CA इंटर कॉस्टिंग में ना सर मॉड्यूल में जितने भी चैप्टर्स हैं ना उसमें से मेरे 3-4 चैप्टर बाकी रह गए थे इंपॉर्टेंट वाले, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसे सारे बड़े बड़े चैप्टर्स मेरे नहीं हो रखे थे। तो एंड पे मैंने कॉल लिया कि जितना मेरा हो रखा है ना मैं उसको अच्छे से करूंगा, भले मेरे ए कैटेगरी के चैप्टर्स चले गए ना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जितना मैंने कर रखा है अच्छे से करूंगा। तो मेरा कुछ 70 मार्क्स का कवरेज ही मैं करके गया था, 20-30 मार्क्स के चैप्टर्स ही मैंने छोड़ दिए थे और मॉड्यूल के अलावा मैंने कुछ रेफर नहीं किया था। तो भी मैंने, मेरे को याद है एग्जैक्ट मैंने 68 या 69 मार्क्स का पेपर लिखा था जिसमें से मेरे 65 के आसपास मार्क्स आए थे CA इंटर कॉस्टिंग में, यानी कि मैंने जितना किया था उसको अच्छे से किया था। मॉड्यूल में जो है ना एकदम बढ़िया तरीके से वैसा का वैसा ही प्रेजेंटेशन करके दिया था, क्योंकि प्रैक्टिकल था तो मार्क्स तो मेरे कटे नहीं। तो अगर मैं उस टाइम सारे के सारे चैप्टर्स पे ध्यान देने बैठता तो जो मैंने कर रखा था वो भी मैं भूल जाता, मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता। तो अब आपको करना क्या है ना, अगर आपका 60-70% कवरेज अच्छी तरीके से हो रखा है ना तो आपको बार बार उस पर ही फोकस करना है, वो 20-30% आपने करना है ऊपर ऊपर से। ऐसा ना हो कि 20-30% कवर करने के चक्कर में आप अपना 60-70% का नुकसान कर बैठो और एग्जाम में आपको चीजें याद ना आए। तो जो हुआ है उसको और भी अच्छे से आपको करना है, उसको और भी बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि आखिरी के दिन में ये बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मैं सब कुछ कर लेता हूं। तो ऐसा ना हो कि सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में आप अपना जो हो रखा है उस पे से भी हाथ खो बैठो। तो बस ये बात मेरे को आपसे आज कहनी थी, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग।